हे गाइस, अब बज चुका है 9:30 और मैं आज जाने वाला हूँ बहुमरसापुरी। तो आज मैं घर में ऐसे ही हूँ, मतलब आज मेरा कुछ काम नहीं है, इसलिए चलो थोड़ा नज़दीक ही घूमने चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को मेरे प्यारों के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। गैस, तो मैं अब हमारा सफर पहुँच चुका हूँ। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है और आज मेरे साथ है ये माडा भाई। तो मैं आज आप लोगों से मेरे प्यारों के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, तो वो ये है कि मैं 22 हूँ, इसलिए शनिवार को मैं प्यारो लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं घर से निकल चुका था। हुआ ये कि मेरा जो हेलमेट है ना, उसमें वो एक्शन कैमरा लगा हुआ था, उसमें मैं बोल के जाने वाला था, लेकिन उसका जो साउंड सेटिंग्स है ना, वो मैंने ऑन ही नहीं किया, वो तो ऑफ था। मैं जब वीडियो एडिट करने बैठा तो मुझे पता चला कि उसमें तो कुछ साउंड ही नहीं है, तो वीडियो कैसे बनाए। तो वो वीडियो तो मेरा बेकार गया और मुझे बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा। तो पूरा दिन डर गया एकदम, इसलिए तो और क्या कर सकते हैं, गलती तो मेरा ही है ना, कोई बात नहीं। वो वीडियो जो है ना, वो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए फ्यारो के बारे में कुछ बातें करते हैं। वो मेरा जो फ्यारो है ना, वो मेरे पिताजी यानी पुत्र ने 2011 में सेकेंड हैंड खरीदा था। वो तो पहले बहुत अच्छी हालत में था, अभी भी अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा बाइक पूरा पुराना हो गया है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है तो बाइक में। और बाइक का अब 16 या खो चुका है, उसका तो आरसी का प्रॉब्लम है एकदम, क्योंकि मैंने जो है ना उसको एक बार चेंज किया था, लगभग मुझे 6,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया था। और मैं जब क्लास 8 या 9 में था ना, तब से मैं बाइक चलाना सीखा हूँ और लगभग याद होगा धीरे धीरे बाइक है, उसमें आप लॉन्ग राइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब तो वो बाइक बंद हो चुका है, अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी इसको लेकर दूर तक जा चुका हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाया तब, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ना। तो बाइक काफ़ी अच्छा है। ये है फेरो का मीटर, यहाँ का
जो किलोमीटर्स का आंकड़ा है ना, वो लगभग 3 या 4 साल पहले बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद मैंने उसको ठीक ही नहीं किया। अब लगभग 2 लाख किलोमीटर चल चुका है, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। और इसका जो ये न्यूट्रल का लाइट है ना, ये चलता है, और ये साइड डिटेक्टर का ये वाला और ये वाला लाइट ऑन होता है। और इसका जो ये मीटर है ना, मीटर का आंकड़ा नहीं चलता, और किलोमीटर भी तो बंद ही है, और तेल का आंकड़ा भी नहीं दिखाता इसमें। फियारो में तो सेल्फ नहीं है, उसको किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। इसका सीट और ये हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है, ट्रैफिक में आप बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो मैं फियारो को लेकर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देख सकते हो। और आप लोग एक बार फियारो को अच्छी तरह से देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to? आप लोगों को प्यारों का प्यार अच्छा ही लगा होगा। आज तो वेदर बहुत अच्छा है और हवा चल रहा है, आप लोग वाटी वेदर भी एक बार देख लीजिए। तो हमारे घर के नज़दीक ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और इवनिंग के समय ना यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। जो सनसेट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अगर फोटोग्राफी आप लोगों को सही है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. तो यहाँ का एरिया तो काफ़ी बड़ा है। ये फियारो के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, कुछ बोलोगे? बाय बाय। तो बाय बाय।